सो हाय गाइस, माय नेम है योगेश एंड आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ अपडेट के बारे में। यानी कि दोस्तों, व्हाट्सएप ने आज कुछ FAQ अपडेट किया है जो कि दोस्तों सभी को लेकर बहुत ही चिंता वाली बात है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप भी करते हैं इस तरह की एप्लीकेशन का यूज़ तो दोस्तों आपका अकाउंट भी जो बैन हो सकता है या फिर ब्लॉक हो सकता है। दोस्तों, जो व्हाट्सएप है जो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही अलर्ट हो चुका है, बहुत ही जो ऐसे ऐसे नियम ला रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर, ताकि दोस्तों हर किसी को अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी मिल सके, उनके डेटा कोई चुरा ना सके। दोस्तों, सिर्फ हमारे डेटा 3 आदमी के बीच होते हैं। एक तो होता है व्हाट्सएप जो ऑफिशियल है, दूसरा होता है दोस्तों हम, और दोस्तों तीसरा आदमी जिसे हम भेज रहे हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप है जो ये डेटा अपने के बीच में ही रखना चाहता है, किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों व्हाट्सएप जो कुछ नए नए अपडेट ला रहा है। दोस्तों, मैं इस सारे अपडेट को आपको जो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं व्हाट्सएप के कुछ नए अपडेट के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर अभी व्हाट्सएप के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, 2018 से जैसे 19 है दोस्तों, व्हाट्सएप या फिर दोस्तों कोई भी ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है, तो दोस्तों सारे प्लेटफॉर्म अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही अलर्ट हो चुके हैं, पूरी दोस्तों पूरी तरीके से अपडेट करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अभी व्हाट्सएप की। दोस्तों, व्हाट्सएप जो अभी अलर्ट जारी किया वो है कि दोस्तों अगर आप WhatsApp GB या WhatsApp Plus जैसे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, तो दोस्तों आपका अकाउंट भी बैन किया जा सकता है। दोस्तों, आपको जो प्ले स्टोर से जो व्हाट्सएप के ऑफिशियल ऐप है उसी को आपको जो उसे इंस्टॉल करना है और उसे यूज करना है, क्योंकि दोस्तों वो बिल्कुल सेफ है। और व्हाट्सएप ने जो ये भी FAQ में बताया था कि भाई ऐसी जो एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इसमें बिल्कुल भी सेफ डेटा नहीं होता है। और कल कुछ भी हुआ ऐसे एप्लीकेशन की वजह से तो दोस्तों जो व्हाट्सएप है वो जिम्मेदार नहीं होगा, ये सारी थर्ड पार्टी ही जिम्मेदार होगी। और दोस्तों आप जानते हो कि इस तरह की जो एप्लीकेशंस की जिम्मेदारी हो वो कोई भी नहीं लेता। इसलिए दोस्तों आपकी सिक्योरिटी, आपके डेटा सारे को बचाने के लिए व्हाट्सएप ने जो अच्छा कदम उठाया है, जिससे कि दोस्तों आपका डेटा भी बचाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अभी बात करें कि इस तरह की एप्लीकेशंस बनती कैसे हैं और ये मार्केट में इतनी फैलती कैसे हैं। दोस्तों, जो WhatsApp GB या फिर WhatsApp Plus जो है वो एक व्हाट्सएप का ही एडिट किया हुआ एक एप्लीकेशन है, जो कि दोस्तों कुछ ऐसे डेवलपर्स है जो उसे री एडिट कर कर दोस्तों इस तरह की एप्लीकेशंस, फर्जी एप्लीकेशन बना लेते हैं, जो कि दोस्तों हमारे बीच में जो लॉन्च कर लेते हैं, पब्लिक कर देते हैं, जिससे कि दोस्तों हमें पता नहीं होता इस तरह की एप्लीकेशंस में हम घुस जाते हैं और दोस्तों बाद में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है, आपको जो व्हाट्सएप की ओरिजिनल ऐप है WhatsApp INC के नाम से, उसी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तों वो ही आप यूज करना है, किसी भी थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन यूज नहीं करना है। इसमें दोस्तों डेटा की कोई भी गारंटी नहीं होती, जिससे कि दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही करना, साथ साथ दोस्तों इस YouTube चैनल को अपना समझकर प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।